प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घूम फिरकर एक प्रश्न सप्ताह भर में मेरे सामने आई जाता है कि डार्क कलर का जो स्टोन है वह ज़्यादा इफेक्टिव होता है या लाइट कलर का जो स्टोन है वह भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना डार्क कलर वाला करता है। खासकर नीलम और पुखराज में जो मित्र महंगे रत्न खरीदते हैं वह इस बारे में काफ़ी सोच विचार करते हैं। तो आज की वीडियो में महंगे रत्न खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डार्क और लाइट कलर के स्टोन में प्रभाव में क्या अंतर आते हैं, इसी विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप एक अच्छा रत्न खरीदें तो उसकी गवर्नमेंट लैब ही कराएं। दिल्ली झंडेवाला मेट्रो स्टेशन IGI GTL, मुंबई IGI, जयपुर IGI। और जब लैब का सर्टिफिकेट आपके पास में आए तो उसमें ध्यानपूर्वक देखें, उसमें लिखा होना चाहिए नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, नो ट्रीटमेंट। जहां तक डार्कनेस और लाइटनेस की बात है, अगर आपका रत्न नेचुरल है, नो ट्रीटमेंट है, अगर उसका कलर डार्क है, गाढ़ा रंग उसका है, तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहेगा। नीलम को नीलिमा युक्त होना चाहिए, नीली आभा वाला होना चाहिए, पुखराज को पीत आभा वाला होना चाहिए। लेकिन यदि उसका रंग, उसका कलर कुछ हल्का पीला या नीला भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं होना चाहिए, वाइटनेस, सफ़ेदी उसमें नहीं होनी चाहिए। पुखराज को पीत आभा वाला, नीलम को नीली आभा वाला तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि बहुत गाढ़े रंग का आपका रत्न नहीं है और उसमें कुछ हल्का पीला भी है, बहुत हल्का ना हो, वाइटनेस ना हो, तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो करके कुछ थोड़ा हल्का है, जैसा भी है, लेकिन आपको इसमें जो गवर्नमेंट लैब आपके सामने आएगी उसके सर्टिफिकेट में आप वहाँ लिखा होना चाहिए नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो महत्व इस बात का बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपका जो स्टोन है वह बहुत ज़्यादा गाढ़े रंग का है या बहुत आपका स्टोन थोड़ा कुछ हल्का उसका कलर है। महत्व इस बात का है कि उसमें दाग धब्बा, स्क्रैच, टूट फूट नहीं होने चाहिए और बिल्कुल वाइटनेस की तरफ वह नहीं जाना चाहिए। पीत आभा बहुत सुंदर, उसमें से आपको एक गुड फीलिंग हो, या नीली आभा वाला रत्न आपका होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे, मैं कामना करता हूँ। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे।